प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त गणेश आहवाड़ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओमटेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज की वीडियो में हम तनाव यानी टेंशन क्या होता है और उससे हम किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं, इस बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए और इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो आइए मित्रों, इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। तनाव को इंग्लिश में टेंशन कहते हैं। यह मनस्थिति से उपजा विकार है। मनस्थिति एवं परिस्थिति के बीच असंतुलन एवं असामंजस्य के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तनाव एक द्वंद है जो मन एवं भावनाओं में गहरी दरार पैदा करता है। तनाव से अनेक मनोविकार उत्पन्न होते हैं, उससे मन अशांत, भावना अस्थिर एवं शरीर अस्वस्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारी कार्यक्षमता प्रभावित होती है और हमारी शारीरिक व मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। तनाव के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। एक हद तक मनोवैज्ञानिक तनाव हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा होता है जो सामान्य व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक साबित हो सकता है। हालांकि यदि ये तनाव अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाए तब मनोचिकित्सा की आवश्यकता पड़ सकती है, अन्यथा ये आपको मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार बना सकती है और आप में मनोव्यथा उत्पन्न हो सकती है। तनाव को किसी ऐसे शारीरिक, रासायनिक या भावनात्मक कारक के रूप में समझा जा सकता है जो शारीरिक तथा मानसिक बेचैनी उत्पन्न करे और वह रोग निर्माण का एक कारक बन सकता है। आइए मित्रों, तनाव के शारीरिक और मानसिक प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। एक, मन को एकाग्र करने में अक्षम होना। दो, कोई भी निर्णय नहीं ले पाना। तीन, आत्मविश्वास की कमी। चार, चिड़चिड़ापन या बार बार गुस्सा आना। पाँच, अत्यधिक लोभ और लालसा उत्पन्न होना। छह, बेवजह की चिंता करना। सात, बेवजह का भय सताना। आठ, घबराहट का दौरा पड़ना। 9. गहरे भावनात्मक तथा मूड का विचलित होना। 10. अत्यधिक ज्यादा या काफी कम खाना। 11. मन का कहीं और खोना। 12. अक्सर दुर्घटना का शिकार होना। 13. अक्सर जरा जरा सी बात पर आक्रामक होना। 14. अत्यधिक धूम्रपान करना। 15. नर्वस होने के लक्षण। 16. शराब या ड्रग्स का अत्यधिक सेवन करना। 17. नाखून चबाने तथा बाल खींचने जैसी आदत पड़ना। तनाव से मुक्ति कैसे पाए? एक, तनाव पैदा करने वाले कारकों से बचे। दो, तनाव पैदा करने वाले कारकों को बदले। तीन, सैर पर जाएं। चार, प्रकृति के साथ वक्त बिताएं। पाँच, किसी अच्छे दोस्त को कॉल करें। छह, अच्छे व्यायाम के साथ तनाव से मुक्ति पाएं। सात, अपनी डायरी में तनाव के बारे में दर्ज करें। आठ, लंबे समय तक गर्म पानी से स्नान करें। नौ, घर में सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। दस, अपने पालतू जानवर के साथ खेलें। ग्यारह, अपने बगीचे में बागवानी करें। 12. पूर्ण शरीर की मालिश कराएं। 13. अच्छी पुस्तकें पढ़ें। 14. संगीत का आनंद लें। 15. आपकी पसंदीदा कॉमेडी फिल्म देखें। 16. तनाव से मुक्त होने के लिए और हमारी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रकृति ने एक व्यवस्था बनाई है, उसका नाम है नींद। किसी हद तक नींद हमारी थकान मिटाती है, लेकिन प्रायः शरीर प्रणाली में कुछ तनाव रह जाता है। उस प्रकार के तनावों को काबू में रखने के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान धारणा के तरीके हैं। ये तनाव और थकान से मुक्ति देते हैं, शारीरिक क्षमता बढ़ाते हैं, हमारे तन और मन को मजबूत बनाते हैं,